दौरान नमाज औरत के चेहरे पर नकाब की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी तीन बेटियां हैं, शोहर गैर औरतों से बातें करते हैं, उनके लिए भी वही पढ़ो या लतीफ़ या वदूद। एक आदमी ने दाएं तरफ सलाम फेरा, अभी बाएं नहीं फेरा था कि वजू टूट के नमाज हो गई। एक सलाम से भी नमाज हो जाती है। जो आदमी खुद मुक्तदी हो, पीछे से कोई आगे खड़ा हो जाए, हम्बली मसलक में तो जायज़ है, हनफी में जायज़ नहीं है। अब मुझे तो पता नहीं कौन सी दुआ है, हज़रत जिब्रील ने कई दुआएं हजूर को बतलाई, अल्लाह आलम आप किसकी बात कर रही हैं। बहरहाल तिलावत जिक्र दुआ ऐसा करें या जोर से जबान से लादिमन अदा होगा। वो सांस के जो मामलात हैं वो तसव्वुफ के मामलात हैं, तुम्हारी वहाँ तक पहुँच नहीं है। उनने एक मश्क की है कि हर सांस से अल्लाह का नाम निकले। असल के बाद मैयत को दफन कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, रखी रहे हैं ना, ये अच्छा मसला है भाई। असर के बाद नमाज नहीं पढ़ सकती, ये नहीं कि मैयत भी दफन नहीं कर सकते। मेरी शादी पर मेरे ससुर ने एक घर मेरे नाम कर दिया था, लेकिन वही घर अपने लड़के को अब देना चाहता। तुमने लिखवाया नहीं होगा ना, तो इसलिए आपके पास सनद तो है कोई नहीं। अगर वो कहे कि फिर जाएगा तो क़यामत में पकड़ा जाएगा। जन्नत में ख़ानदान बाप है, माँ है, हाँ अल्लाह सबको जमा करेंगे। अगर खातून के सर पे दुपट्टा न हो और किसी से हजूर का नाम दरूद पढ़ सकती है।